फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यम्मी डिलाइट्स फॉर फूडीज। आज मैं आप सबसे एक हाई प्रोटीन हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं बना रही हूँ मूंग दाल इडली, जो बहुत ही हेल्दी होती है और खाने में सुपर टेस्टी। इसके लिए मैंने एक कटोरा मूंग दाल तकरीबन 200 ग्राम को 4 से 5 घंटे के लिए सोक कर दिया था, फिर अच्छी तरह से वॉश करके छान के ले लिया है और अब मैं इसका पेस्ट बनाऊंगी ग्रीन चिली, जिंजर और लहसुन के साथ। मैंने यहाँ पर 2 से 3 ग्रीन चिली, 1/2 इंच जिंजर और 2 से 3 क्लोव गार्लिक के ले लिए हैं। ग्रीन चिली और गार्लिक आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो सारे चीज़ों को मैंने ग्राइंडर जार में ऐड कर दिया है और इसका एक पेस्ट बना लेना है। ज़्यादा फाइन पेस्ट तैयार नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा रखना है। ये देखिए मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर दूंगी। और नमक ऐड करने के बाद फिर मैं इसमें 1/2 टीस्पून चाट मसाला ऐड करूंगी और चाट मसाला ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देना है। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद ऑनियन ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 1 प्याज बारीक कटा हुआ लिया है, ऐड कर दूंगी। और प्याज ऐड करने के बाद 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ कैप्सिकम ऐड करना है और 1 ग्रेटेड कैरोट ऐड कर देना है। सारे सब्जियों को ऐड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने यहाँ पर प्याज, गाजर और कैप्सिकम यूज किए हैं। आप अपने पसंद का कोई भी सब्जी ले सकते हैं। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है क्योंकि बैटर थोड़ा सा थिक है और बैटर की कंसिस्टेंसी डोसा के बैटर जैसा होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल डोसा के कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार कर लेना है। और अब मैं इसमें एक तड़का ऐड करूंगी। तो तड़के के लिए मैंने गैस पे पैन को चढ़ा दिया है और उसमें 1 टीस्पून घी ऐड कर दिया है। घी जब थोड़ा गर्म हो जाएगा फिर इसमें 1 टीस्पून राई, ब्लैक मस्टर्ड ऐड कर देना है। और राई ऐड करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा करी पत्ता ऐड करूंगी, तकरीबन 25 से 30। और गैस को स्विच ऑफ कर देना है और तड़का को बैटर में ऐड कर देना है। तड़का ऐड करने के बाद एक बार अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें इनो ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 पाउच तकरीबन 1 टीस्पून इनो ऐड कर दिया है। और अगर आप सबके पास इनो ना हो तो सोडा भी ऐड कर सकते हो, 1/2 टीस्पून सोडा और 1 टेबल स्पून लेमन का जूस। सोडा ऐड करने पर सोडा के साथ नींबू का जूस मस्ट है। तो एक बार इनो ऐड करने के बाद मिक्स कर लेना है और इडली का बैटर स्टीम करने के लिए तैयार है। इडली मोल्ड को मैंने ग्रीज कर दिया है और अब मैं इसमें बैटर को एडजस्ट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से बैटर को एडजस्ट करना है और बैटर को ज़्यादा फिल नहीं करना है, थोड़ा सा खाली ही रखना है क्योंकि इडली राइज करेगा। मैंने इडली मोल्ड को फिल कर लिया है और स्टीमर को गैस पे चढ़ा रखा है तकरीबन 5 मिनट से। तो अब मैं इडली मोल्ड को इडली स्टैंड में इस तरह से एडजस्ट कर दूंगी और फिर मैं इसको स्टीम होने के लिए स्टीमर में रख दूंगी। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इडली को स्टीम करना है, बीच बीच में चेक करते रहना है ताकि इडली जले नहीं। तकरीबन 25 मिनट तक मैंने इडली को स्टीम कर लिया था और फिर इसको ठंडा कर लिया था। अब मैं सारे इडली को डिमोल्ड कर लूंगी। देखिए इस तरह से एक एक इडली को मैं निकाल लूंगी और कितना स्पंजी इडली तैयार हुआ है ये देखिए। तो इसी तरह से मैं सारे इडली को निकाल लूंगी। अगर आप सबको मेरा ये हेल्दी ब्रेकफास्ट आइडिया पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाना न भूलें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू रेसिपी डालूं आप सबको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए।